राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित बागपत में करीब 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खेत की जमीन से महज 10 सेंटीमीटर नीचे मिली कांस्य युगीन सभ्यता। सादिकपुर सुनैली गांव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चल रही पुरातात्विक खुदाई में सामने आई। इस खुदाई में शाही कब्रों का एक समूह मिला है। इन कब्रों के साथ कांस्य युग की सभ्यता और संस्कृति की ओर इशारा करती तमाम और चीजें मिली हैं। एएसआई को एक खेत के 50 मीटर के दायरे के भीतर 8 कब्रें मिली हैं, जिनमें से 3 कब्रें अलग अलग हैं, वहीं 3 सेकेंडरी कब्रें और 2 प्रतीकात्मक कब्रें भी हैं। इसी के साथ एक कुत्ते और एक चिड़िया की कब्र भी मिली है। सेकेंडरी कब्रें वो होती हैं जिनमें कहीं और दफन हुए शरीर के अवशेष लाकर एक जगह रख दिए जाते हैं, जबकि प्रतीकात्मक में व्यक्ति को दफन न कर उससे जुड़े व्यक्तियों को दफन किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि मरने के बाद उनके शरीर मिले ही नहीं। इस तरह की साइट्स पर पहली बार ये विश्व मिला। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये विश्व के स्तर पर आने वाली चीज है। ये पूरे पूरे के पूरे विश्व में सिनौली अब पूरे विश्व के का केंद्र होने वाला है आने वाले समय में, आर्कियोलॉजिस्टों के लिए भी और इतिहासकार के लिए। महाभारत काल में पांडवों के मांगे 5 गांवों में बागपत भी शामिल था, इसलिए इस सभ्यता के अवशेष को महाभारत काल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस सभ्यता को 4000 साल पुराना यानी लगभग 1800 से 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता माना जा रहा है। ताबूत में तांबे की कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके पास ही एक गड्ढे में 2 रथ, ताबूत के सिरहाने में मुकुट जैसी चीज के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा 3 तलवारें, 2 खंजर, 1 ढाल, 1 मशाल भी मिली है। इन कब्रों के आसपास अलग अलग आकार के बर्तन से लेकर सोने चांदी जैसी धातुएं शामिल हैं। क्षेत्र से जो चीजें मिल रही हैं, जो शवाधान केंद्र मिल रहा है, जो शव मिल रहे हैं, जो योद्धाओं के शव मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, हथियारों के साथ रथ मिल रहे हैं। बड़ी बात ये तो बहुत दुर्लभ घटना है इतिहास की कि भारत के अंदर पहली बार 5000 साल पुराने योद्धाओं के हथियारों के साथ घोड़ों से चलने वाले रथ मिल रहे हैं। खुदाई में एक महिला का कंकाल भी मिला है जिसका ताबूत पूरी तरह से गल चुका है। इससे पहले साल 2005 में इसी जगह से 120 मीटर की दूरी पर एक कब्रगाह मिली थी जिसमें लगभग 116 कब्रें मिली थी। उसे भी इसी सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। सचिन त्यागी, APN, बागपत।